गुड मॉर्निंग बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ में बहुपद चैप्टर के पार्ट थ्री वीडियो है, ठीक है। पार्ट टू वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। पार्ट वन में हमने उसका बहुपद का सारा थ्योरी हमने बताया। उसके बाद पार्ट टू वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम लोग सबमिट कर चुके थे। आज हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बहुपद 5x² - 2x + 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें जब फर्स्ट में बोला है x = 0, सेकेंड में बोला है x = 1 और थर्ड में बोला है x = -3। देखिए कुछ नहीं है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो बहुपद दिया हुआ होता है, बहुपद का वर्ड मीनिंग होता है पॉलिनोमियल का पहला अक्षर होता है पी। यदि x में दिया हुआ है तो उसको सूचित करते हैं p(x). तो p(x) मतलब आप समझिएगा किसमें बहुपद, तो x चर में बहुपद, ठीक है। तो चूंकि बहुपद x में दिया हुआ है तो हम लोग इसको p(x) से सूचित करते हैं। p(x) अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, तो 5x² - 2x + 3, ठीक है। अब पहला नंबर आ जाइए, फर्स्ट नंबर क्या पूछ रहा है x = 0 पर, तो हम क्या करेंगे x का मान कितना पुट कर देंगे, 0। तो रखिए तो p(0) = x का मान 0 रखिए, तो 5 × 0² = 0, 2 × 0 + 3 में तो x है ही नहीं, तो 3 ही बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो सीधा हो जाएगा इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में भी आप क्या कीजिएगा, दूसरा में x = क्या पुट कर दीजिएगा, 1, एक रखने का रहते एक रखिए, हो गया सिंपल है। तो p(1) x का मान एक रखिए, तो 5 × 1² - 2 × 1 + कितना, 3, दैट इज कॉल्ड p(1) = कितना आ जाएगा, 5 - 2 + 3, 5 × 3 = 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6। अब तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा कह रहा है x = -3 रखने, तो put x = -3, तो रखिए तो क्या हो जाएगा, p(-3) = x का मान -3 रखिए, तो 5 × -3² - 2 × -3 + 3, ठीक है। चलिए तो -3² कितना होगा, 9 ना, -² + तो 5 × 9, -× - दो तिया 6 प्लस कितना 3, 5 × 9 = 45, 6 × 3 = 9, तो 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो ये था आपका ये प्रश्न, है ना। तो कुछ नहीं है, जो मान रखने कहेगा वो हम x के जगह मान रख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, सेवन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में p(0), p(1), p(2) ज्ञात करें, ठीक है। चलो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। p(y) = दिया हुआ है y² + y + 2, है ना। तो p(0) कहने का अर्थ क्या हुआ, कि वहाँ x था तो x के जगह 0 रखें, यहाँ पे y में बहुपद है तो y जगह 0 रखेंगे, तो 0 रख दीजिए और क्या है, सिंपल है। अब तो बन जाएगा ना, अब 1 है तब p(1), तो y के जगह 1 रखिए, तो 1² + 1 + 2 तो कितना, 4। अब 2 है तब y के जगह 2 रखिए, 2² + 2 + 2 तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना, 8 बन जाएगा, सिंपल है, है ना। तो अगला प्रश्न में भी आपको यही काम करना है। p(x) है तो एक बार x का मान 0 रखिएगा, एक बार x का मान 1 रखिएगा, एक बार x का मान 2 रखिएगा। फिर p(t) है तो एक बार t का मान 0 रखिएगा, एक बार t का मान 1 रखिएगा, एक बार t का मान 2 रखिएगा। तो 7 नंबर आपका कंप्लीट है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क
कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है और ए बराबर दिया हुआ है, तो पी ऑफ ए खोज रहा है, कुछ नहीं है। एक ए का मान कितना दिया है माइनस एक, तो ए का मान माइनस एक आप लोग रख दीजिएगा, है ना। फिर ए का मान जो जैसे जैसे ए का मान दिया है, मतलब ए का मान दिया है मतलब वहाँ पे एक्स का मान रखना है, ठीक है। चलिए नौ नंबर हम बता देते हैं, नौ नंबर क्या है। नौ नंबर कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस वन। देखिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है पी ऑफ वन क्यू ऑफ वन पी ऑफ वन क्यू ऑफ वन टू, एक बार एक पर एक बार दो पर पहले हम लोग मान निकाल लें, है ना। चलिए तो पहले हम लोग पी ऑफ वन निकाल लीजिए, तो एक्स के जगह वन रखिए। देखिए यहाँ आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, तो सबसे पहले हम आराम से करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। अब पी ऑफ वन निकाल लीजिए यहाँ से, तो एक्स का मान वन, तो वन का स्क्वायर वन, फाइव इंटू वन प्लस फोर, चार एक पाँच में से पाँच जाएगा तो कितना बचेगा जीरो। फिर कहीं कहीं दो आ रहा होगा, तीनों प्रश्न को हम एक ही बार बना रहे हैं, ठीक है। तो पी ऑफ दो, तो एक्स का मान दो रखिए, तो दो का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू दो प्लस फोर, तो कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर चार माइनस दस प्लस चार, चार चार आठ में दस जाएगा कितना बचेगा माइनस दो, ठीक है। ये तो पी ऑफ एक्स हो गया। नाउ अब क्यू ऑफ एक्स में विचार कीजिए, तो क्यू ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वन। अब देखिए तो क्यू ऑफ वन एक बार निकाल दीजिए, तो वन का क्यू प्लस वन, तो वन वन टू, क्यू ऑफ टू निकाल दीजिए, तो दो का क्यूब कितना दो दूनी चार दूनी आठ प्लस एक, तो कितना नौ, ठीक है। अब आइए प्रश्न पर, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि पी ऑफ वन गुना क्यू ऑफ वन, तो कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑफ वन का मान कितना है जीरो, गुना क्यू ऑफ वन का मान कितना है दो, तो जीरो गुना दो कितना होता है जीरो। दूसरा कह रहा है पी ऑफ वन अपॉन क्यू ऑफ वन, तो पी ऑफ वन का मान कितना है जीरो, ठीक है। क्यू ऑफ वन का मान कितना है दो, तो जीरो बटा समथिंग क्या होगा जीरो। तीसरा कह रहा है पी ऑफ टू प्लस है प्लस क्यू ऑफ टू, तो पी ऑफ टू का मान कितना है देखिए यहाँ पे माइनस दो, और क्यू ऑफ टू का मान कितना है नौ, तो नौ में से दो जाएगा कितना बचेगा सात। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो हमने क्या किया, पहला नंबर ये आपको पी ऑफ एक्स में पी ऑफ वन पी ऑफ टू निकालिए, क्यू ऑफ एक्स में क्यू ऑफ वन क्यू ऑफ टू निकालिए। अब जैसा कह रहा वैसा हमने काम किया है, ठीक है। होमवर्क सही बच्चे बना के भेज नहीं रहे हैं आप लोग, भेज दिया करें, नहीं तो फिर कॉल करेंगे फिर एक एक करके हम। प्रश्न संख्या दस पे आइए, दस कह रहा है कि सत्यापित करें कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं ना। चलिए देखिए शून्यक क्या होता है पहले ये समझिए, शून्यक का इंग्लिश होता है जीरोज, शून्यक का इंग्लिश क्या होता है जीरोज। तो शून्यक होता क्या है, शून्यक उस शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान है, शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान है जिसमें उस मान को रखने पर दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्यक उस दिए गए शून्य किसी भी बहुपद का वह मान है जिसमें वह उस मान को बहुपद में रखने पर प्राप्त मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, तभी वह शून्यक उसका होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि साबित करें कि शून्यक है। आइए दस का हम पहला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x का जो मान है वो माइनस वन बटा तीन है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो आपका x का जो मान है ये इस बहुपद का शून्यक है, यह आप चेक कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी मान किसी भी बहुपद का शून्यक तभी होगा जब उसका मान उस बहुपद में रखने पर क्या आ जाए जीरो। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स के जगह मान रख देना है, मान रख के देखिए यदि जीरो आ गया तब शून्यक होगा। तो रखते हैं, तो पी ऑफ एक्स के जगह माइनस वन बाई थ्री रखिए,
तो 3 × -1/3 + 1, तीन तीन कट गया ना, तो एक में एक गया तो कितना बचा, जीरो। देख रहे हैं कि आ रहा है जीरो, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर -1/3 शून्यक है। कोई दिक्कत है ना? तो कोई भी मान किसी भी बहुपद का शून्यक कब होगा, जब उसका मान उस बहुपद में रखने पर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप इसी तरह क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा देख लूँ। दूसरा कह रहा है p ऑफ x बराबर x²-1। दो शून्य किसका दिया है, एक दिया है और माइनस एक दिया है, कुछ नहीं है। एक बार हम एक रख के देखते हैं। चलिए x इज इक्वल टू एक रखिए, तब p ऑफ 1 इज बराबर, तो 1² - 1, तो 1 में से 1 गया, 0। ये भी देखते हैं, एक बार माइनस एक रख के देखिए, तो माइनस एक का स्क्वायर कीजिएगा तो भी तो एक ही होगा, तो क्या आ रहा है, दोनों 0 आ रहा है। तो लिखेंगे इसलिए एक्स बराबर 1 - 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो स्पष्ट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करना क्या है, मान रख के देख लेना है, यदि 0 आएगा तो शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी 11 में कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य क्या करें, ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने कह रहा है। बहुपद दिया हुआ क्या है, बहुपद पहला दिया हुआ है x + 5। ध्यान दीजिए, किसी भी बहुपद का यदि शून्यक निकालना हो तो आप क्या करें, उस बहुपद के बराबर 0 रख करके वहां से मान निकाल लें, ठीक है। चलिए तो शून्यक निकालना है तो इसके बराबर हम क्या पुट कर देते हैं, 0। तो p ऑफ x का मान क्या है, x + 5 = 0। तो यहाँ से x निकालना है, +5 इधर आकर क्या हो जाएगा, -5। तब यहाँ से शून्यक जो हो जाएगा इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, -5 होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा बना सकते हैं, है ना। चलिए पांचवा नंबर आइए, p ऑफ x बराबर दिया है 5x, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, चूंकि p ऑफ x बराबर शून्यक निकालने के लिए 0 पुट करेंगे, तो 5x = 0, गुना 5 उधर जाकर भागा, तो 0/5 क्या होगा, 0। तो इस बहुपद का शून्यक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। p ऑफ x बराबर दिया है p + q है, मिस्टेक है, px कर लीजिएगा, ठीक है, px + q। अब इसका शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, शून्यक निकालने के लिए उसके बराबर क्या पुट करेंगे, 0। तो px + q = 0। चलिए देखिए, +q इधर आकर -q, गुना p इधर आकर भागा, तो x का मान क्या आ गया, -q/p। इसलिए इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो होगा -q/p होगा। तो शून्यक चेक करने भी बता दिए, शून्यक निकालने भी बता दिए, और किसी मान पर किसी बहुपद का निकालने भी आज हो गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। तो आज आप लोग का जो होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 टोटल बना लेना है। अब इस पर हम लोग शेषफल प्रमेय आएंगे, जो कि अगला क्लास में चलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय एक्सरसाइज 3.2 पर विचार करेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आज 22 मई को ये वीडियो बनी है, 22 मई के ही रात्रि को 8 बजे आप लोग का टेस्ट है। आप लोग में से सभी बच्चे का एक ही बार जूम अप्लाई पर टेस्ट होगा, और टेस्ट का जो टॉपिक है वो है आपका, टेस्ट का टॉपिक है कोशिका, है ना, टेस्ट का टॉपिक है कोशिका, और उस कोशिका को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसका आज टेस्ट होगा, और जो भी विद्यार्थी का निम्नवत सूची दिया गया उसका आज टेस्ट होगा। तो सो आप लोग आज एकदम एकदम तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, कि आज हम आप लोग से टोटल में टोटल मार्क्स आपका तैयार हो जाए, ऐसा व्यवस्था हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के लिए कल करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।